त्रिपुरारी नाम कर दिया। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष की कथा की आज की बात ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि शिवजी का त्रिपुरारी नाम तीन पुरियों को भस्म कर कर मेरे भोलेनाथ त्रिपुरारी बने। मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी बने। कभी साइड की एलईडियां बंद हैं उस पंडाल की, कभी अगर मौका मिल जाए एक बेलपत्र, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक। एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना, आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है, भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूँ तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूँ तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, बारह महीने कोई सी भी शिवरात्रि, शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोस्तों हर हर महादेव। जैसे कि दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना गुरुजी से कि त्रिपुरारी नाम का क्या महत्व है और कैसे उपाय करना है, तो आप इस उपाय को अवश्य करो। कैसे? बेलपत्र, समीपत्र, जो उपाय गुरुजी ने बताया आप इसे अवश्य करें, इससे आपके जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी और कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।